नमस्कार साथियों, आप सभी का साहित्य गंगा चैनल में स्वागत है। आपके समक्ष आज हम असाध्य वीड़ा कविता लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यह कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचित कविता है और यह कविता सबसे लंबी और चर्चित कविता है। आंगन के पारद्वार नामक संकलन में अज्ञेय जी ने इसे संकलित किया हुआ है और आंगन के पारद्वार 1961 में प्रकाशित है। व्यक्तित्व की खोज की प्रक्रिया में यह कविता समाज और व्यक्ति के सार्थक द्वंद्वात्मक संबंध को दर्शाती है। इस कविता को लेकर के डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा है, असाध्य वीड़ा एक चीनी आख्यान पर आधारित है। इस आख्यान के अनुसार एक बड़ा पवित्र वृक्ष है, उसके सार भाग की लकड़ी से एक साधक ने एक वीड़ा की गढ़ी, किंतु वह स्वयं उसे न बजा सका। उस वीड़ा को कोई दूसरा कलाकार भी न बजा सका। अंत में एक साधक आता है और अपने को वीड़ा तथा वीड़ा के स्रोत महान पवित्र वृक्ष के प्रति अर्पित करता है। एक तरह से वह वीड़ा को बजाता नहीं, स्वयं बजना चाहता है और वीड़ा उसके बजने की प्रक्रिया में स्वतः बज उठती है। यही आख्यान असाध्य वीड़ा में चरितार्थ हुआ है। असाध्य वीड़ा चूंकि एक बहुत लंबी कविता है, इसलिए इस कविता का कई वीडियो बनेंगे, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि दो ही भाग में इसके केवल भावार्थ को स्पष्ट करते हैं। कारण क्योंकि कविता का जब तक हम भावार्थ नहीं देखेंगे, उसके दर्शन, उसके रहस्यवाद और उसकी गंभीरता को हम नहीं समझ सकते। हम समीक्षा अगर करते हैं तो केवल उसका समीक्षा ही रह जाएगा और जिन लोगों ने इसके अर्थ को नहीं देखा है वह उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। अतः आप सभी से आग्रह है कि कविता के अर्थ को समझने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और इसके बाद हम दूसरी वीडियो में आपके समक्ष कविता से संबंधित समीक्षा और मुख्य बिंदुओं को लेकर के आएंगे, जिसके लिए कविता यह चर्चा में रही है। और यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जैसा आप लोगों को मालूम होगा, हर यूनिवर्सिटी के किसी न किसी क्लास में BA अथवा MA में है, कई आयोगों में है, UPSC में भी है और साथ ही साथ आपको UGC नेट में भी है। यह कविता एक नाटकीय ढंग से शुरू होती है। तो इस कविता के अगर हम पात्रों की बात करें तो इस कविता में एक राजा हैं, एक पात्र प्रियंबद हैं, उन्हीं का दूसरा नाम केशकम्बली है, तीसरा पात्र वज्रकीर्ति है जिसने किरीट तरु से असाध्य वीड़ा को बनाया है, चौथे पात्र की अगर बात किया जाए तो रानी है और रानी के साथ साथ ही राजा के अन्य दरबारी हैं। आइए कविता का शुरुआत करते हैं। आ गए प्रियंबद केशकम्बली गुफा गए, राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। आ गए प्रियंबद केशकम्बली, यहाँ पे दूसरा पात्र प्रियंबद केशकम्बली, उन्हीं का नाम है, प्रियंबद का ही नाम है, गुफा गे, गुफा की तरह या गुफा में रहने वाले जिनका घर ही गुफा हो। यह बातें कौन कह रहा है? राजा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? प्रियंबद से कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं राजा? कृत कृत्य हुआ मैं तात। तात हिंदी का एक सम्मानित शब्द होता है जिसको कहा जाता है, किसी के सम्मान में कहा जाता है, उनके उनके लिए यह सम्मानित शब्द प्रयोग किया जाता है। पहले यह ज़्यादा होता था, आज के चलन में कम है। कृत कृत्य हुआ मैं तात, तात मैं आज धन्य हो गया, आप पधारे हैं, भरोसा है अब मुझको अब यह भरोसा है, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी, मेरे जीवन की तपस्या आज पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का, गढ़ दौड़े लाए असाध्य वीड़ा, साधक के आगे रख उसको हट गए, सभा को उत्सुक आंखें एक बार वीड़ा को लख टक गई प्रियंबद के चेहरे पर। लघु संकेत समझ राजा का, राजा का छोटा सा जो संकेत था, उनके गढ़ दौड़े और असाध्य वीड़ा को लेकर आए, साधक के आगे रख उसको साधक अर्थात जो प्रियंबद है यहाँ पे, उनके सामने रख करके हट गए। सभा की उत्सुक आंखें, जो सभा में बैठे हुए लोग थे उन सभी की जिज्ञासा भरी आंखें एक बार वीड़ा को लख मतलब देखकर टिक गई प्रियंबद के चेहरे पर टिक गई। यह वीड़ा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी,
बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है। यह बातें राजा प्रियंबत से कह रहे हैं और उस वीणा के बारे में बता रहे हैं। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से आई हुई है, जहां पर बहुत सारे तपस्वी तपस्या करते हैं, और यह वहां से बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, पूरा इतिहास हम नहीं जानते हैं, किंतु सुना है, हमने कुछ सुना है। क्या सुना है? वज्रकृति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन कीट तरु से इसे गढ़ा था। वज्रकृति यहाँ पे तीसरा पात्र है इस कविता के, ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन कीट तरु से गढ़ा था। एक कीट तरु, तरु माने पेड़, कीट तरु पेड़ है, इससे गढ़ा था, इससे बनाया है। और वज्रकृति ने इस कीट तरु, इसे कीट तरु पेड़ से बनाया है। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करी सुंड सी डाले, हिम वर्षा से पूरे वन यूथों को, यूथों का कर लेती थी परित्राण। मतलब कि यह एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ के कानों पर हिम शिखर बर्फ के पहाड़ अपना रहस्य बताते थे। यानी इतना विशाल पेड़ था, जरा ध्यान देने वाली बात, विशाल पेड़ था, बहुत ही विशाल पेड़ था। इतना विशाल था कि हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। हिम शिखर तो शिखर मैंने चोटी हो गई, बर्फ की चोटी जो अपने आप बहुत बड़ी बड़ी होती है, उससे भी बड़ा था। कंधों पर बादल सोते थे, उसके कंधों पर बादल सोते थे। समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर कवि थोड़ा सा इन चीज़ों को बढ़ा के कह रहे हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रहस्य की तरफ ले जा रही हैं। कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी सुंडों सी डाले, उसकी जो डाले थी वह वैसे भी कैसी थी, करी सुंडो, हाथी के सुंडों की तरह थी। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों को कर लेती थी परित्राण। जब वर्षा होता था, हिम वर्षा होती थी, उससे पूरे जंगल को ढक लेती थी। कोटर में भालू बसते थे। इसका जो कोटर होता, कोटर क्या होता है, पेड़ का खोखला जगह जहाँ पर कई चिड़ियाँ बैठती हैं। छोटा अगर कोटर है तो चिड़ियाँ बैठेगी, बड़ा कोटर है तो वहाँ पे भालू भी बैठ सकते हैं। तो वो कोटर की बात कर रहा है यहाँ पे कवि। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। केहरी क्या है, केहरी हो गया वनराज मृगराज। केहरी उसके वलकल से, वलकल यानी छाल, उसके छाल से कंधे खुजलाने आते थे, अपने कंधे तक खुजलाने आते थे। वहाँ पे लौट करके कई जानवरों को आपने देखा होगा कि कहीं अगर किसी पौधे के, किसी पेड़ की छाल गिरी रहती है, वहाँ पे जानवर अपने शरीर से खुजली मिटाते हैं लेट करके। वही चर्चा यहाँ पे कवि कर रहे हैं। और आगे देखिए, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवणशीलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। जो उस पेड़ की, कौन पेड़, कीट तरु पेड़ की जो जड़े हैं वह पाताल लोक तक पहुंच गई थी। उसकी गंध प्रवणशीलता से फण टिका नागवासुकी सोता था। उसके गंध से, उसके गंध को लेकर के ही नागवासुकी सोता था। यानी नागवासुकी सोता था, उस समय की बात कर रहे हैं कवि। यह सारी बातें राजा ने प्रियंबत से कही है। आगे देखते हैं, उसी कीट तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। उसी पेड़ से वज्रकृति ने यह अपना पूरा जीवन लगा करके इस वीणा को बनाया है। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई सात साधना साथ ही जीवन लीला। जरा ध्यान से देखिए कि हठ साधना यह थी उस साधक की, साधक कौन यहाँ पे, वज्रकृति, कि वज्रकृति की यह साधना थी, यह तपस्या थी कि यह वीणा हम बना के ही रहेंगे। और उस वीणा पूरी हुई, वीणा पूरी भी हो गई, साथ साधना भी, जो उसकी साधना थी वह भी पूरी हुई, साथ ही जीवन लीला, और उसकी जीवन लीला भी पूरी हो गई, अर्थात वह खत्म हो गए। राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले। राजा रुकते हैं, फिर लंबी सांस लेकर अपनी बातों को फिर से चालू करते हैं। क्या कहते हैं, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। मेरे जितने भी जानने मानने वाले कलावंत थे, कलाकार थे, कला के जानकार थे, वो सब हार चुके हैं। सबकी विद्या हो गई अकारत, किसी काम की उनकी विद्या नहीं है। दर्प चूर, उनका जो भी दर्प था, अभिमान था, वो सब चूर हो गए हैं। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। कोई भी ऐसा ज्ञानी या गुणी है जो इसे साध सके, अर्थात इसको बजा सके, कोई नहीं बजा सका। अब यह असाध्य वीड़ा ही ख्यात हो गई। यह असाध्य वीड़ा, जो यह वीड़ा थी, असाध्य हो गई है, और इसी के नाम से यह
ख्यात हो गई है, मशहूर हो गई है। इसका नाम जरा पाठ का नाम और इस लाइन का अर्थ देखा जाए कि अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, जिसे कोई नहीं बजा सका, जिसे कोई नहीं साध सका, वह वीणा यही वह वीणा है और यह असाध्य वीणा के नाम से ख्यात हो चुकी है। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ्र तब वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। राजा कहते हैं कि कृच्छ्र मतलब दुख या तप, जो वज्रकीर्ति का तप था, तपस्या था, वह व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, वीणा तो बोलेगी, जरूर बोलेगी, पर तभी, लेकिन तभी बोलेगी जब इसे कोई सच्चा स्वर वाला अपनी गोद में लेकर के इसे साधेगा, अर्थात बजाने की कोशिश करेगा, तभी यह बजेगी। तात प्रियंबद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्रकृति की वीणा, यह मैं, यह रानी, भरी सभा यह सब उदग्र प्रय उत्सुक जनमात्र प्रतिक्षमाण, मतलब कि सब आगे बढ़ने के लिए सब की इच्छा ये कि यह आगे बढ़े, यह वीणा बजे, और सब व्याकुल हैं और सब इसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। आगे की पंक्तियों को देखिए, राजा इसके पहले तक की पंक्तियों में प्रतिक्षमाण तक खत्म हो गया, राजा का वक्तव्य खत्म हो गया है। अब कहानी आगे बढ़ती है। केस कम्बली गुफा गेह ने खोला कम्बल, केस कम्बली यानी प्रेमवत ने गुफा गेह ने खोला कम्बल, अपना कम्बल खोला, धरती पर चुपचाप बिछाया, चुपचाप उसने धरती पर बिछा दिया, बीड़ा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, बीड़ा उस पर रख करके अपनी आंखों को बंद करके, पलकों को बंद करके, प्राण खींच कर उसको प्रणाम करके, अस्पर्श छुअन से छुए तार, अस्पर्श छुअन से छुए तार, बिना छुए मतलब एक तरीके से वो छू भी रहा है और नहीं भी छू रहा है, धीरे बोले, धीरे से बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं। राजन, राजा, मैं कोई कलावंत नहीं हूं, कला का जानकार नहीं हूं, मैं एक शिष्य हूं, एक साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको कहा जाए न कहा जाए, दोनों बातें हैं, सत्य का साक्षी, उन सबका साक्षी हूं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। वज्रकृति का वो नाम लेते हैं, प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। यानी यहाँ पे केस कमली जो अपनी बातों को रख रहे हैं, वो सोच करके यही बोल रहे हैं राजा से कि वज्रकृति, प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, अभिमंत्रित की हुई वीणा है, इन सबों का ध्यान लगाने से ही केवल मन गदगद हो जाता है। चुप हो गया प्रियंबर, सभा भी मौन रही। वाद उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया, सभा चकित थी, अरे प्रियंबद क्या सोता है, किस कम्बली अथवा होकर पराभूत, झुक गया वाद पर, वीड़ा सचमुच क्या है असाध्य। अब यहाँ पे लाइनों को देखना है कि सभा चकित होती है कि अरे प्रियंबद क्या सोता है, तुम उस पे क्या सो रहे हो, सोच रहे हैं सभा में बैठे हुए लोग, केस कम्बली अथवा होकर पराभूत, केस कम्बली जो ये हैं, ये प्रियंबद हैं, ये परास्त हो गए, पराभूत होने परास्त होना, परास्त हो गए, झुक गया बात पर, यंत्र पे झुक गया मतलब झुक गया, यहाँ पे झुक गया बात पर क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि इस वाद्य पर झुक गया, इसके सामने नतमस्तक हो गया, हार गया, वीणा सचमुच क्या है असाध्य, या वीणा सचमुच में असाध्य है क्या। पर उस अस्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंबद साध रहा था वीणा, सब लोग अपने मन में सोच रहे थे और उसी में प्रियंबद अपने मौन में यानी अंतर मन से साध रहे थे उस वीणा को, उस वीणा के बारे में सोच रहे थे, बातें कर रहे थे, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था, या नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था, कवि की ये लाइनें हैं कि नहीं वो अपने आप को शोध रहा था, अपने आप को खोज रहा था, सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को, उस सघन घने गंभीर में वह अपने
को सौंप रहा था उस किरीट तरु को, उस पेड़कर को वह खुद को समर्पित कर रहा था। कौन? प्रियंबद। कौन प्रियंबद है कि दंभकर इस अभिमंत्रित कारुवाद के सम्मुख आवे, कौन बजावे यह वीड़ा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केस कंबली राज्यसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। कौन है प्रियंबद की दंभकर? प्रियंबद कौन है यह दिखावा भर रह गया, ऐसा सोच रहे हैं लोग। इस अभिमंत्रित कारुवाद के सम्मुख आवे, इस अभिमंत्रित कारुवाद मैंने जो कारीगरों द्वारा बनाया गया हुआ वाद्य यंत्र को ही एक कारुवाद कहते हैं, यानी जो बहुत अच्छी कलाकारी हो जिसपे हो, के सम्मुख आवे। इस अभिमंत्रित वीणा के सामने कौन आए, कौन बजावे इसे यह वीड़ा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। किसी के जीवन भर की साधना रही, भूल गया था केस कमली राज्यसभा को। राज्यसभा ने पहले ही राजा ने बताया था कि यह इस तरह की इसके साथ घटना हो गई है। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। कंबल पर बैठे बैठे अभिमंत्रित वीड़ा को देख करके वह अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु। वहां पे क्या दिखता है कि वह किरीट तरु का बना हुआ वीड़ा ही सबके सामने दिख रहा है, साक्षी है, जिसकी जड़ वासुकी के फल पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे, अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंबद। सारी चीजों को पहले भी चर्चा में आ चुकी हैं, राजा ने कहा था, उसमें से कुछ चीजें वही हैं। आगे बढ़ते हैं उसी में कि संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंबद, यानी शब्द रहित अपने आप में प्रियंबद कुछ न कुछ बोल रहा था। ओ विशाल तरु, क्या बोलता है? ओ विशाल तरु सत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नीत रूप सवारा। सत मने सौ, सहस्त्र मने हजार, पल्लवन पतझरों जिसके सौ अथवा हजार पल्लवन पतझरों मने पेड़ों पे पत्तियां आती हैं और फिर पतझड़ भी आते हैं, ने जिसका नीत रूप सवारा, ने सवारा हो जिस पेड़ को, कितनी बरसातों कितनी खद्दतों ने आरती उतारा, कितनी बरसातों ने कितनी जुगनुओं ने, खद्दतों मने जुगनू, जुगनियों ने उस पेड़ की आरती उतारी। दिन भौरे कर गए गुंजरित, भौरे जो है दिनों में गुंजित करते ही है, भौं भौं भनभनाना होता ही है भौरों का काम, वही बात यहाँ पे चर्चा में आ रही है। कवि यहाँ पे अब उस पेड़ की चर्चा में, पेड़ की व्याख्या कर रहे हैं, पेड़ की खूबसूरती की बातें करते हैं, किसके थ्रू? प्रियंबद के थ्रू। प्रियंबद अपने मन में रख करके इन बातों को बोल रहा है। यह पूरी पंक्ति अब यहाँ से लंबी काफी आगे तक जाएंगी, जो कि केवल इस वृक्ष की खूबसूरती की चर्चा हम पढ़ते चलेंगे, जहां पे कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ को बताते चलेंगे। रात में झिल्ली ने, झिल्ली यानी झिंगुर, अंथक मंगल गान सुनाए, यानी बिना थकने वाला गीत गाए, सांस सवेरे अनगिन, बिना सांस सवेरे को गिने हुए, अनचिन्हे खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकिली। अनचिन्हे खग, खग मने पक्षी, कुल मने खानदान या परिवार, पक्षियों के परिवार ने मोद भरी क्रीड़ा काकिली, मधुर ध्वनि, काकिली मने मधुर ध्वनि होता है, इन पंछियों ने यहाँ पे इस पेड़ के पास में आकर के मधुर ध्वनि, मतलब बहुत सारे पंछियों ने तरह तरह के अपने मधुर ध्वनि को सुनाए हैं। डाली हाली को कपा गई, डाली हाली को कपा गई, मतलब बैठते थे और उड़ते थे तो कभी भी पक्षी उड़ते थे तो आवाज एक तरह से पौधों में आती है, पत्तियों से आती है, उसी की चर्चा है। ओ दीर्घकाय, ओ लंबा तगड़ा, दीर्घकाय मने लंबा, दीर्घ मने लंबा, काय मने शरीर, लंबा तगड़ा, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, झारखंड मने जंगल, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महत छाय, तात सब फिर आया है, सखा मने दोस्त, गुरु गुरु होता ही है, आश्रय मने आश्रय देने वाला, त्राता, त्राता मतलब होता है आपका शरण देने वाला, महत छाय, महत छाय मतलब हो गया कि दूसरों को छाया देने वाला, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेश, अस्तब्ध, संयत, संयुत, निर्वाक। अब यहाँ पे वही बातें हो रही है, अनिमेश बिना
पलके गिराए स्तब्ध होकर के, संयत मने बधा हुआ, किसी से जुड़ा हुआ, निर्वाक मने मौन भी होता है, चुपचाप तुम्हें साधूं, तुम्हें देखूं, कहां साहस पाऊं, ऐसा साहस कहां से पाऊं, छू सकूं तुझे, तुझे छू सकूं, जिससे कि तुझे छू सकूं, तेरी काया को छेद बांधकर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, तेरे काया को छेद बांधकर रची गई वीणा को, काया मने फिर शरीर, तेरे शरीर से बनी हुई इस वीणा को जो कि जिसमें काया मतलब इसको छेद करके बहुत सारी रस्सियां बांधी गई है, किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, हाथ कैसे लगाऊं छिनने को तारों से, जो तार हैं उस पे छिनने के लिए, उस पे उंगली चलाने की बात कर रहा है। एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के अस्पंदित प्राण रच गए, एक चोट में वह संचित संगीत जिससे रचने में, एक छोटी सी संगीत जो वहां पे एकत्रित संगीत मतलब एक सुर निकालने में बहुत सारे लोग स्वयं न जाने कितने के अस्पंदित प्राण रच गए, प्राण कांप गए, प्राण निकल गए। नहीं नहीं वीड़ा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। प्रियंबद उस पेड़ से कह रहे हैं, उस बीड़ा से कह रहे हैं, बीड़ा के रूप में वह वृक्ष भी है, उसी से बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, नहीं नहीं वीड़ा यह मेरी गोद रखी, यह वीड़ा मेरे गोद में रही है, रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा, मैं तेरी गोदी में बैठा हूँ, मोद भरा बालक हूँ, हंसता हुआ खेलता हुआ बालक हूँ, ओ तरुतात ए पेड़ जो पेड़ की है, संभाल मुझे, मुझे संभाल ले, मेरी हर क्लिक, मेरी हर क्लिकने की क्रिया, मेरे हर चहकने खुश खेलने की क्रिया को संभालो, पुलक में डूब जाए, जिस पुलक में मतलब जिस पुलक में होगा रोमांच में डूब जाऊं, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकू तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, मतलब तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, यानी तेरे जो डोलने की जो तुम्हारे बजने की है लोरी जो निकलेगी उस पे मैं एकदम शांति से झूमता रहूं, गा तू तू गा मेरी तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए, और तुम जब बजो तो उसी पे मेरी सांसें उसी के हिसाब से फिर चले और उसी के हिसाब से रुके, गा तू यह वीड़ा रखी है तेरे अंग अपंग किंतु अंगी तू अच्छत आत्मरभरित रसविद, यह सारी बातें प्रियंबद उस वीणा से कह रहे हैं, उस पेड़ से कह रहे हैं, कौन से पेड़ से, कीर्ति तरु पेड़ है वो, उससे वो कह रहे हैं, तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा, हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग सावक की चिहुक, सिलाओं के दुलराते वन झरनों के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, मतलब अगर अर्थ देखा जाए तो ये सारी व्याख्या हो रही है, सिलाओं के दुलराते वन झरनों के, सिला बने पत्थर, दुलराते वन झरनों के, जो वन से झरना बहते हैं दुलराते हुए पत्थरों से आगे बढ़ते हैं, द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, जो तेजी से पानी बह रहा है, जल बह रहे हैं, लहराते हुए बह रहे हैं, उनसे जो जोर की आवाज निकलती है उसे उसकी चर्चा है, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, जो पर्वत कुहरे में छनकर आती, जो कुहरे हैं उनसे छनकर के आती है पर्वती गांवों से पहाड़ी गांवों से किसी भी उत्सव के ढोलक की थाप, मतलब जो ढोलक बजता है उसकी आवाज आ रही है, गड़रिए की अनमनी बांसुरी, गड़रिया जो कहीं पे चला रहा अपनी भेड़ों को वह अपनी बांसुरी जो बजा रहा वो भी आवाज आती है, कठफोड़े का ठेका, अब कठफोड़े कौन है, कठफोड़वा जो एक पंछी होता उसकी चर्चा है, फूल सुंघनी की आतुर फुरकन, फूल सुंघनी यानी तितली को कह सकते हैं जो फूलों को सूंघती है, कि आतुर फुरकन, ओस बूंद की धड़कन इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई, हर सिंगार शब्द हो गया मतलब पारिजात का पेड़ और का फूल बन गई,
यानी जो ओस बूंदों की धड़कन इतनी कोमल, जो ओस की बूंदे हैं वो इतनी कोमल हैं, धड़कते धड़कते तरल हैं कि झरते झरते मानो, व धड़कते धड़कते झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गया, यानी पारिजात का पेड़ का फूल बन गई। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रंकार, कांद लंबी टिटिब की, पंखयुक्त सायक सी हंस बालका। भरे शरद के ताल, शरद के समय में जो ताल भरे रहते हैं उनकी लहरियों में मनमौजी हो गया, मनमौजी तरीके से लहराते हुए सरसर ध्वनि करते हैं। कुंजों का क्रंकार, कांद लंबी टिटिब की, टिटहरियों की जो लंबी कांद होती है, जो चिल्लाना होता है, आवाज होती है, उसकी चर्चा है। पंखयुक्त सायक सी हंस बलाका, बलाका मतलब मादा बगुला, जो पंखयुक्त पंखों से, पंखों के साथ बाण की तरह हंस बगुला जो है वह भी है। चिड़वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जगह की जहां तहां टकराहट, जो चिड़वनों, चिड़ का पेड़ होता है, चिड़वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहां तहां टकराहट हो रही है, आपस में चिड़ के पेड़ टकराते भी हैं, उसकी चर्चा भी हो रही है, वहां पे अलग तरह के अंधगंध मैंने अंधेरा भी रहता है, महक भी रहती है, उसकी चर्चा है। जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, जो जल का प्रपात है, जल का संचय जहां पे रहता है, जहां पे जलों का भंडारा रहता है, वो प्लुत का एक स्वर, जो जहां पे जल होते हैं वहां से भी कुछ ना कुछ आवाज आती रहती है, और वहां पे प्लुत जो शब्द हो रहा है, यहां पे आ रहा है, उस शब्द का मतलब होता है कि कुछ आवाज की बात है, जैसे ओम शब्द हो गया, तीन अक्षर का कोई शब्द, उस तरह का आवाज आता है। झिल्ली दादूर कोकिल चातक की, झिल्ली हिराया, दादूर कोकिल कोयल, चातक की, झंकार पुकारो की यति में, झंकार पुकारो की यति में, यानी जो उनकी पुकार होती है, झंकार होती है, जो बातों में या आवाज में उनकी जो झंकार होती है, उसकी चर्चा हो रही है। यति में संस्कृति की साय साय, और जो इन लोग का ये संसार है उसमें कहीं ना कहीं ये फिर आवाज आती रहती है, साय साय। दोस्तों अभी आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, अतः आगे का शेष, हाँ मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़ से लेकर के अंतिम लाइन जो कि कवि ने कहा है पाठक को लेकर के, पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई तक की व्याख्या अगले द्वितीय भाग में लेकर के आएंगे, और आप सबों से आग्रह है कि आप उस भाग को भी देखें, फिर उसके बाद हम इसके काव्य सौंदर्य, विशेषता, रहस्यवाद आदि को लेकर के एक तीसरा वीडियो भी आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह भाग आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें अपना समर्थन दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।